ऋषि भाई, हमारे चैनल विजयरा वीटॉक इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और मेरी पूरी टीम और साथ में जो हमारी ऑडियंस है, हम सभी आपको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने दो चैंपियनशिप जीते हैं, जिसमें से एक जो नॉर्थ दिल्ली का खिताब है वो भी आपने जीता है, और दूसरा जो एनपीसी मिस्टर दिल्ली है वो भी आपने जीता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अवार्ड जीतने के लिए बधाई, और हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विजय। यस, और जैसे कि आपने खिताब जीता है तो हमारी ऑडियंस भी इस चीज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। इनफैक्ट मैं खुद क्यूरियस हूँ, आपकी जो जर्नी रही है, आप जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ साथ आपने इन सब चीजों की प्रिपरेशन करी है, तैयारी करी है, तो इस पूरी चीज के बारे में जानेंगे। लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये है कि जो चैंपियनशिप है, बॉडी बिल्डिंग है, इसमें जाने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से आया? व्हाट वाज वन थिंग, या ऐसी इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है जिसने आपको इंस्पायर किया कि हाँ आपको बॉडी बिल्डिंग में, चैंपियनशिप में जाना चाहिए? जो ये मोटिवेशन है, ये मैंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं चैंपियनशिप या बॉडी बिल्डिंग खेलूंगा। इनिशियली जब मैंने वर्कआउट और जिम ज्वाइन किया तो मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे जब मैंने जिम स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरा जो फिजिक था बहुत मैं स्लिम था, और अगर इंटरव्यू देने जाता था तो इंटरव्यू में मेरे को बोलते थे कि अपना आईडी प्रूफ दिखाओ आप लगते थे। तो मेरी स्टार्ट वहीं से हुई थी, अपने आप को फिट रखने के लिए, और मैं धीरे धीरे अपने आप को मतलब कि अपने आप को फिट रखता गया, कंटिन्यू अपने आप अपने बॉडी को मेंटेन करता गया, चाहे वो मेरी डाइट हो या फिर मेरा वर्कआउट हो या मेरा शेड्यूल हो, सब मैं एक अकॉर्डिंग टू अपने आप को फिट रखने के लिए मैंने स्टार्ट की। तो धीरे धीरे जब ये चल रहा था तो अभी रिसेंटली मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने के लिए एडवाइस किया, बट मैं ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, तो मैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग खेलना एक नहीं है, उसमें काफ़ी पैसा लगता है, तो मैं थोड़ा सा डिनाई कर रहा था उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे फोर्स किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वन ऑफ माय मेंटर मिस्टर पंकज कुमार था, उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए जितना भी स्टैक और सप्लीमेंट है वो स्पॉन्सर भी किया, और भी जो ऑनर है जिम टाउन के उन्होंने ये पूरा मुझे ट्रेनिंग का पूरा तो वहीं से मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने काफ़ी मेहनत करी, दिन में तीन टाइम वर्कआउट करना, तो मतलब कि जैसा मुझे कौन मतलब कि अगर आपको आपको कोई आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए आपको आउटपुट भी तो देना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी मेहनत करी, और यही टाइम था जो मेरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट हुई। ऑल राइट, सो मतलब इट इज़ लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई बचपन से ड्रीम था कि हाँ मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है या चैंपियनशिप लड़नी है, आप जनरली एक फिटनेस की तैयारी के लिए गए थे, लेकिन जो मेंटोर हैं एक मतलब यू नो देयर इज सेइंग कि जो जौहरी है वो परख जानता है हीरे की, है ना, तो आपके जो मेंटर हैं उन्होंने आपको फोर्स किया और वो लेके गए कि हाँ जी चलो आप तैयारी करते हैं। सो या इट्स प्रीटी फाइन, बहुत बढ़िया। एंड नाउ ऋषि भाई, आइडियली क्या होता है इफ आई ज्वाइन द जिम, या फिर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जिम तो ज्वाइन करते हैं लेकिन जिम ज्वाइन कर लेना इज नॉट अ बिग डील, ज्वाइन करने के बाद जो कंसिस्टेंसी वर्कआउट के लिए जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है वो बहुत चैलेंजेबल होता है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट, वो कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन की? बेसिकली इसे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे पास हमें अवेयरनेस होनी चाहिए फिटनेस से रिलेटेड, तो अगर हम अवेयर ही नहीं है फिटनेस का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी में, तो जब तक हम उस चीज़ को मेंटेन कर ही नहीं सकते, उसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो डेडिकेशन एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो और उसमें कुछ अचीवमेंट चाहते हो तो एक डेडिकेशन भी एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो फिटनेस क्या है, फिटनेस बेसिकली हमें ज़रूरी नहीं है जिम जाके फिटनेस हम या वर्कआउट करके फिटनेस हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी अच्छी डाइट रख के वर्कआउट करके या फिर योगा
साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, इन सब चीज़ों से अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपकी फिटनेस इम्प्रूव है तो आपकी फिटनेस इम्प्रूव है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से काम करेगा, इससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती है लाइक हार्ट अटैक और बहुत सही तो की पेन वगैरह प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। और अगर मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं दो चार दिन जिम जाते हैं, जब चार दिन वर्कआउट के लिए जाते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक पे जाते हैं, बट उसके बाद वो पाँचवें दिन बोलते हैं कि कल जाऊँगा या फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप अपनी लाइफ का एक जॉब का एग्जाम्पल लेके देखिए कि आप जॉब किस लिए कर रहे हैं। जॉब आप कर रहे हैं अर्निंग के लिए, ठीक है। क्या अगर आप जॉब नहीं करोगे, आपको सैलरी नहीं आएगी, तो आप अपने आप को अपना घर का खर्चा वगैरह नहीं करोगे। वहीं अगर मैं यहाँ पर फिटनेस को कोऑर्डिनेट करूँ, तो अगर आप अपने आप को फिट नहीं रख पाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जो कि फ्यूचर इन फ्यूचर आपकी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आपके खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। So, ideally क्या होता है ऋषि भाई की, हम लोग जब एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे होते हैं, दूसरी तरफ एक पर्सनल लाइफ जी रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये दोनों चीजों को हम बैलेंस कैसे करें, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, तो इनको मैच करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क लाइफ और जो वर्कआउट आप करते थे उसको अपने जॉब से कैसे मैनेज कर पाए? इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है पहला जो टाइम मैनेजमेंट का रहा है, मतलब कि मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, अपने वर्क को वर्क तक रखे और पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ तक रख कर अपने टाइम को मैनेज किया। दूसरा था डेडिकेशन, मैंने डेडिकेटली किया, चाहे वो मेरा ऑफिस वर्क हो या मेरा फिटनेस से रिलेटेड कोई भी मेरे को टास्क परफॉर्म करता हूँ। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा, एक वर्ड होता है ऑर्डिनरी और एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी तो हर कोई होता है, पर आपको अगर कुछ अचीव करना है लाइफ के लिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, और वही मैंने किया और काफ़ी चीज़ें मैंने अचीव भी की इसमें। और बेसिकली जो हमारा फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम में हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं या कुछ इधर उधर घूमना, कुछ भी करना, मतलब कि जो चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी नहीं होती उन चीज़ों में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मैंने वही किया, और मैं भी मैंने मतलब कि उस टाइम को अपने वर्कआउट में कंज्यूम किया और उसको वेस्ट ना करके मैंने अपनी अचीवमेंट जो मुझे अचीव करना था उसमें मैंने उस टाइम को इन्वॉल्व किया। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो काम आपके लिए नेसेसरी नहीं है, एक्टिव होना, चैट, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ है जो आजकल लोग मैंने देखा है यंग जनरेशन बिल्कुल बिजी रहती है अपने मोबाइल फ़ोन में, कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा कम करके अपनी फिटनेस लाइफ में वो टाइम हेल्पी। इन अ वे हम इसको ऐसे सम अप करें कि देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे लिए जो एक टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेडिकेशन तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, और कट शॉर्ट करके मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम जो हम टीवी, नेटफ्लिक्स या इधर उधर की चीज़ों में गॉसिप में लगाते हैं, उसको हमें एक स्पेसिफिक, जैसे आपने अपना जो चैंपियनशिप है उस पर पूरा का पूरा गोल फोकस किया, कुछ लोग अभी बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो अलग अलग काम, अलग अलग एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो उस पर हमें वो पूरा का पूरा जो फोकस है वो लगाना चाहिए, राइट। सो या अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इट इज वेरी मच डिफिकल्ट राइट नाउ, हालांकि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है वो सिचुएशन ही बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रही है हम सबके लिए, तो इस टाइम पे आप ऐसी क्या एक्टिविटीज अपना रहे हैं, या इस टाइम पे जिम्स वगैरह भी क्लोज हैं, तो आप जो वर्कआउट है वो कैसे करते हो, क्या आपने कोई घर में स्टूडियो वगैरह काइंड ऑफ नॉट स्टूडियो बट वर्कआउट के लिए स्पेस बनाया हुआ है, या कैसे आप कैसे प्रेफर कर रहे हैं इसको? बेसिकली मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखता हूँ घर पर ही, और बहुत सी वर्कआउट एक्सरसाइज है जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ अपने घर पर विदाउट इक्विपमेंट, और विद इक्विपमेंट भी परफॉर्म की जा सकती है, तो हर कोई इसको कर सकता है। आप अपने घर पे जंपिंग, स्ट्रेचिंग, कार्डियो, बहुत से वर्कआउट हैं जो कि आप अपने घर पर ही परफॉर्म कर सकते हो इवन इन लॉकडाउन, और अगर लॉकडाउन नहीं भी आप जिम नहीं जा सकते तो भी आप उसे हाफ एन आवर और वन आवर अपने फिटनेस को दे सकते हैं।
तो मैं अभी अपना जो वर्कआउट करता हूँ वो घर से परफॉर्म करता हूँ, बहुत सारे मतलब विदाउट इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ अभी कोई भी अपने वर्कआउट करने के लिए। इवन आई एम शेयरिंग फ्यू वीडियोज ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो आगे भी करने वाला हूँ जहाँ पर कि बिना किसी इक्विपमेंट से होम वर्कआउट। हाँ, काफी वर्कआउट्स ऐसे होंगे जो बिना इक्विपमेंट के हम कर सकते हैं, राइट? ओके, ग्रेट, परफेक्ट। और दूसरा है कि इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि वर्कआउट के साथ साथ, वर्कआउट आपका काम करता है 30%, तो उसके साथ साथ जो आपका रोल है डाइट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि 70% बॉडी के लिए काम करता है। तो अपने आप को फिट रखने के वर्कआउट तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ डाइट को मेंटेन डाइट मेंटेन करना जरूरी है। ऑलराइट, एंड नाउ एक चीज और होती है, होता क्या है अक्सर ऋषि भाई, हम किसी चीज पे, एक मिशन पे या किसी चीज के प्रिपरेशन पे, चाहे वो एजुकेशन में जाओ आप या जॉब पे जाओ, तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स का और जो फैमिली होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपके केस में क्या रहा, आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, आपकी फैमिली कैसे आपको सपोर्ट कर रही थी, या कहाँ कहाँ से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे? बेसिकली इसमें अगर मैं बताना चाहूँगा तो एक होता है मोबाइल सपोर्ट। राइट। तो अगर किसी चीज को अचीव करने जा रहे हो या कोई भी आप काम करने जा रहे हो, तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि आपको मिलता है आपकी फैमिली से, मम्मी से, पापा से, आपके बेटे, बेटी, वाइफ, बेटर हाफ, इन लोगों से आपको ये मोरल सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट हमें मिलता है। और मेरे घर वालों ने मुझे ये सपोर्ट किया जब मैं अपना ट्रेनिंग सेशन पे था, ट्रेनिंग पर था और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर था, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे डाइट से रिलेटेड और कोई भी अलग एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वॉल्व ना करना, और चीज़ों का, इन चीज़ों का ध्यान रखा। और रही बात फ्रेंड की, तो आप अगर मैं बताना चाहूँ कि एक टाइम के आते आते आपके पास कुछ सेलेक्टिव फ्रेंड्स रह जाते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ना कुछ सेलेक्टिव फ्रेंड्स ही, और जो आपको जो आपके लाइफ में उनसे आप थोड़ा सा दूर दूरी बना के चलो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो या आपको लाइफ में चलाना हो तो इजिली आप कर सकते हो। तो वही मेरी लाइफ में रहा, मैं बहुत कम, मेरी बहुत कम फ्रेंड सर्कल है, और जो है तो बहुत पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं मेरे पास, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, ये हर चीज में जरूरी होता है। एंड नाउ यस, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग ऋषि भाई, कि होता क्या है, देखो आइडियली तो हमारे इंडिया में तो ये परंपरा चली आ रही है कि यू नो जैसे चाहे स्कूल पास हुआ कॉलेज जाने के लिए, तो फिर उसके बाद उसको कैरियर चुनना होता है, तो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या इन सब चीज़ों में। बट अगर हम ये चैंपियनशिप या बॉडी बिल्डिंग की बात करें, फिटनेस सेक्टर की बात करें, तो इसमें क्या क्या कैरियर स्कोप आते हैं और किस लेवल तक जाया जा सकता है, अगर कोई स्पेसिफिक इसी लाइन में प्रोफेशनल बनना चाहता हो तो? लाइक आजकल जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है तो मुझे पता चला कि हाँ, पर्सनल कोच की बहुत रिक्वायरमेंट है, फिटनेस ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज देयर एनी, आई मीन जो कोर एरिया ऐसा भी कुछ है जहाँ पे और भी कैरियर बनाया जा सकता है, किस लेवल तक की अर्निंग की जा सकती है इस फिटनेस सेक्टर में? फिटनेस सेक्टर में अगर कैरियर की बात की जाए तो फिटनेस सेक्टर के कैरियर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, लाइक आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो और फूड एंड डाइट न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, आप बाउंसर्स वगैरह, और काफ़ी सारी प्राइवेट फील्ड हैं जहाँ पर कि एक बॉडी बिल्डर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर। और इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें बहुत सारे, आप गवर्नमेंट सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल खेलते हो, तो इसमें आपको बहुत जॉब भी मिलती है, बट उसके लिए आपको जो पेशन है वो बहुत इनिशियली एज से, यानी कि 15-16 साल की एज से स्टार्ट करनी होती है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि बॉडी है वो, उसको मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, और मैच्योर नहीं होगी तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी बॉडी में, जो पार्ट्स वगैरह, तो बॉडी मैच्योरिटी बहुत देखी जाती है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और अगर मैं बात करूँ अर्निंग की, तो
ना ना करते हुए भी आप मंथली अगर मैं बात करूँ तो 32,000 टू 1 to 2 lakh तक आप अर्न कर सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली आई थिंक हर फील्ड में यही क्राइटेरिया होता है कि एक आप बिगनर लेवल पे होते हो, वहां से फिर कुछ अमाउंट आप अर्न कर सकते हो, जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं। उसके बाद जब आप प्रोफेशनलिज्म में जाते हो तो यू नो यू कैन गो इन टू जॉब, और जॉब के अलावा जैसे आपने बताया इस फील्ड में भी पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के जॉब निकल सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से जो बाउंसर वगैरह की जॉब होती है उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर्स और जॉब प्रोफाइल उसके हिसाब से फिर जो इनकम लेवल है आई गेस बढ़ती है, राइट। बट इसके अंदर आपको मतलब कि डिपेंड्स करता है आपके पास नॉलेज क्या है, आप कैसे ट्रेन करते हो, अगर ट्रेनर की बात की जाए आपके पास सर्टिफिकेशन मैटर करता है, जैसे एस नेशनल कराता है, जीएसबी है, जीएसबी एकेडमी है इंडिया के अंदर, जो K11 है यहाँ से आप सर्टिफाइड होने चाहिए अगर आप, और बहुत सारी चीज़ें। बट ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी इन सब चीजों को बढ़ा देता है। ओके, सो अब हम जो मेरा एक पर्सनल सवाल रहेगा आपसे कि आपके इस प्रोफेशन को लेके या फिटनेस सेक्टर को लेके क्या फ्यूचर प्लान्स या गोल्स हैं, क्या आप इसी में परस्यू करना चाहते हो, या जैसे आपने बताया कि आप आईटी सेक्टर में वर्किंग है तो आप आईटी सेक्टर में जाना चाहोगे, व्हाट आर योर गोल्स एंड फ्यूचर प्लान्स? बेसिकली आईटी सेक्टर तो मेरा ये जो एक है वो तो मेरा मेन फील्ड है, तो अभी तो मैं रहना ही चाहूँगा, बट बॉडी बिल्डिंग मेरा एक इंटरेस्ट है, मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने फर्स्ट टाइम चैम्पियनशिप के लिए और अच्छा परफॉर्म किया, बट मुझे अभी इससे बेटर परफॉर्म करना है, मसल मेच्योरिटी अच्छी करनी है, तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिशन आएंगे इससे और ट्राई करूंगा इससे बेटर कंपटीशन खेलने के लिए, इससे बड़े लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनल स्टेट लेवल पे, तो सारे खेलने की कोशिश करूँगा। बाकी डिपेंड करता है आपको बताइए तब ऊपर वाले है, बट एग्जैक्टली डेफिनेटली। दूसरा जो मेरा मेन गोल है कि हम बॉडी बिल्डर्स या फिर जो हम जो फिटनेस के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए डाइट फूड का, कि हमें इतने आज के डे टू डे लाइफ के अंदर हम इतने थक चुके होते हैं कि हमें अपने लिए खाना बना अपने लिए फूड तैयार करने के लिए टाइम ही नहीं होता, और हम कुछ भी बनाते हैं उतर तक बनाया और खा लिया। तो मैं एक ऐसी फूड चेन लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, मतलब कि स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को लेस बजट में जो फिटनेस से को फिट सॉरी डाइट फूड मैं प्रोवाइड करा सकूं बहुत लेस बजट में, क्योंकि आज मार्केट में बहुत कॉस्टली है अगर डाइट फूड की बात की जाए तो मैं मेरे बस यही एक सबसे बड़ा एक मोटिव है कि मैं लोगों को बहुत कम बजट में डाइट फूड प्रोवाइड करा सकूं, और इस तरह से कुछ प्लान मेरे को आगे plans hai. Okay, great. And okay, so if anybody from the audience, somebody wants to contact you, तो वो कैसे आपको contact कर सकते हैं? Any contact number या email ID जो आप share करना चाहें? First of all, you can join me in Instagram. You can contact me on Instagram. And you can note down my number. Yes, please. 9910 9910 30 7868 30 7868। All right, so हम इस नंबर को मेंशन भी कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, so that other people can contact you. Yes, any book recommendation या movies या web series जो लोगों को inspire करे या fitness sector में जाना जिनको पसंद हो, तो उनकी reference के लिए आप बताना चाहोगे कुछ? एक दो बुक्स हैं जो कि मैंने पढ़ी है और मैं रिसेंटली पढ़ भी रहा हूँ, तो एक तो उसमें से मैं सजेस्ट करना चाहूँगा द लिटिल ब्लैक बुक ऑफ वर्कआउट मोटिवेशन, अगर आप द लिटिल ब्लैक, और अगर आपको अपनी फिटनेस से रिलेटेड कुछ स्टडी करना है तो मतलब कि कुछ बुक्स आपको पढ़नी है तो फिटनेस साइंस एक्सप्लेन करके एक बुक है, वो आप बहुत अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड अबाउट द मूवी आई विल सजेस्ट यू आई एम नेचुरल बॉडी बिल्डर, आई एम नेचुरल बॉडी बिल्डर
विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड सेकंडली पॉडकास्ट. अच्छा आई थिंक बोथ आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ओके ओके. सो ये मूवीज और बुक्स की रिकमेंडेशन है जो अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक पे आप पढ़ सकते हैं और मूवीज को भी देख सकते हैं जो आपको इंस्पायर करेगी. सो इसी के साथ हम ऋषि कनौजिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना थोड़ा सा टाइम निकाला और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आगे आए और उन्होंने अपनी जर्नी भी बताई कि कैसे आप जॉब के साथ साथ चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें उस फील्ड में जा सकते हैं. और सी जैसे चैंपियनशिप की तैयारी कर पाना 5 साल से 10 साल से लोग लगे रहते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते, और इन्होंने तो जॉब के साथ कर लिया. तो इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन जो हम सबको लेना चाहिए, एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऋषि सर. और आर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू एंड ऑलवेज बी हैप्पी. आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, आपको बहुत सारी खुशियां मिले और साथ ही आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ट्रॉफीज लाएं. हमारे इंडिया को बहुत जरूरत भी है, तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.